आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के महिंद्रा पार्क में थाना पुलिस ने दो साथी चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की स्कूटी भी बरामद की है। महिंद्रा पार्क थाना इलाके के गली नंबर 26 के पास सतीश नाम के एक हेड कांस्टेबल गश्त कर रहा था, तभी सतीश ने देखा कि एक रिक्शे पर दो लोग स्कूटी को रखकर तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे से एक व्यक्ति चोर की आवाज लगाता हुआ चिल्ला रहा है। सतीश ने इस बात को तुरंत समझ लिया, ये दोनों चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे हैं। पुलिसकर्मी ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए रिक्शा में स्कूटी लेकर भाग रहे चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दूरी पर जाकर ही पुलिसकर्मी ने चोरों को धर दबोचा और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जो लोग पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, विजय और नदीम के रूप में इनकी पहचान हुई। दोनों ही जागीरपुरी इलाके के रहने वाले। शिकायतकर्ता ने बताया कि बाहर आया तो उसने देखा कि स्कूटी ले जा रहे हैं, इसी वजह से उसने शोर मचाया। शिकायतकर्ता और पुलिसकर्मी की सतर्कता से दोनों साथी चोर पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है, जिसके द्वारा खुलासा किया जा सके। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।